वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? Uh, जब से मैं रिटायर हूं कि बहुत सारे कप्तान आए हैं बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो hmm. और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा सही प्लेइंग खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है क्योंकि कप्तान कोई भी हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कोहली थे तब भी हम लोग बायोलेटरल जीत रहे थे वर्ल्ड कप नहीं जीते सेमीफाइनल हार गए रोहित शर्मा बने हैं उनके अंडर भी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी खेले वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बैटर होना चाहिए और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए तभी आप जीत सकते हो तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं शायद वही होने चाहिए और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है रूपा जी पिच को लेकर मैं बात जरूर करना चाहूंगा आप क्योंकि आप पूरे दुनिया में खेल रखे हो मुकाबला हर बार ये होता है कि इंडिया में आके टर्निंग पिच ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं अच्छी पिच बननी चाहिए तो क्या ये जायज है कि हम लगातार टर्निंग पिच को ही फोकस बनाए अपनी ताकत बनाए यार हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की ऑस्ट्रेलिया जाके कि हमें ग्रीन टॉप क्यों दे रहे हम लोग एडिलेड खेले वहाँ एक बार ग्रीन टॉप मिला हम लोग ब्रिस्बेन गए वहाँ में ग्रीन टॉप मिला पर्थ गए हमें वहाँ ग्रीन टॉप मिला सो so, हमारी तरफ से एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आई यार फेयर विकेट होनी चाहिए या फ्लैट विकेट होनी चाहिए या बैट्समैन के लिए विकेट होनी चाहिए तो मुझे ये समझ में आता जब वो टीमें यहाँ आती हैं तो वो क्यों कंप्लेंट करती हैं सो एटलीस्ट आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी स्किल्स आपकी बैटिंग की स्किल है तो आपको स्पिन और फास्ट दोनों खेलने आनी चाहिए so, सो इंडियन टीम भी तो स्पिन और फास्ट दोनों खेलती है वहाँ जाकर कंप्लेन नहीं करती इतने सालों के बाद किसी टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया वो भारतीय टीम थी अगर हम लोग कंप्लेंट करते तो हम लोग वो मैच नहीं जीत पाते टेस्ट मैच तो ये तो होम एडवांटेज है और होम एडवांटेज का फायदा होना चाहिए हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वो हमारे लिए ये सोच के पिच बनाते हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो हमें टर्निंग ट्रैक मिलेंगे तो इसलिए इनके लिए यहाँ स्विमिंग ट्रैक बनाओ ताकि यहाँ पर हम चार जीरो जीते तो वो हर हर देश करता है तो बट क्या है कि जब इंडिया में आके खेलते हैं ना तब वो कंप्लेंट ज़्यादा होती है आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेले तो वहाँ कंप्लेट नहीं होती वहाँ भी क्या हम उनकी कंप्लेट ज़्यादा सुनते भी हैं प्लेयर लोग नहीं सुनते हाँ बट हाँ। मीडिया ज़रूर सुनता है <laughs> क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा जो अटेंशन मिलती है वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ पे मिलती है और जब ये कंप्लेन होती है तो नेगेटिव न्यूज़ ही एक तरह